नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, लाडली बहना योजना 2023, दोस्तों हम डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स देखे जा रहे हैं। आप पूरी मेरी प्लेलिस्ट और पॉडकास्ट में देख सकते हैं लाडली बहना योजना से रिलेटेड सारे वीडियोज़। तो दोस्तों अभी जो सबसे बड़ी चीज़ जो हो रही है, 1 मई से चालू हो गई 15 मई तक आपत्तियाँ दर्ज करना। तो आपत्तियाँ किस तरह से दर्ज होंगी ये मैंने आपको बताया है, और भी वीडियो बनाकर पूरी एक आपत्ति भी दर्ज कर बता दूंगा किस तरह से आपत्ति दर्ज करना है। हमें ऑनलाइन आपत्ति दर्ज दोस्तों 100% करना है, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही ट्रांसपेरेंट बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया है आपत्ति दर्ज करने की भी। तो दोस्तों आपत्ति दर्ज करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है, पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करने का ऑप्शन है, उसमें जो है आपत्तिकर्ता का नाम मोबाइल नंबर लिखना है, उसमें OTP आएगा, फिर आगे बढ़े कर हमें आगे पूरी जानकारी जो जो क्लिक करना है, जो जो आपत्तियाँ ली जानी है उस पर आगे प्रोसेस कर आपत्ति दर्ज करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसके सामने जो अलग अलग चीज़ें होंगी, कुछ लोग ऑफलाइन लेके आएंगे, कुछ CM हेल्पलाइन के माध्यम से भी आपत्ति दर्ज करेंगे, तो वो सब आपत्तियाँ हमें ऑनलाइन पोर्टल पर किस तरह से करनी होगी, क्या क्या समस्या आएंगी, उनका क्या क्या सोल्यूशन होगा, वो आज के इस वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। तो पूरा वीडियो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पोर्टल तो पता ही है, और मैं दोहरा देता हूँ, CMLadlibehna.mp.gov.in, CMLadlibehna.mp.gov.in। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इस तरह से आपके सामने होम स्क्रीन आ जाएगी। तो उसमें दोस्तों इसमें ऑप्शन आ गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया आपत्ति दर्ज करने का। तो आपत्ति दर्ज करने पर आप क्लिक कर यहाँ पूरे दिशा निर्देश एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्या क्या दिशा निर्देश हैं वो पूरे पढ़ने के बाद आपको आपका आपत्तिकर्ता जो आपत्ति ले रहे हैं उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर कैप्चा डालना है, फिर स्वघोषणा करना है। इसके बाद OTP प्राप्त होगा, OTP डालने के बाद आगे आपत्ति करे पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी जो महत्वपूर्ण आदेश निकला है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर एक बार पूरी आपत्ति कैसे दर्ज होगी वो भी दिखा दूंगा। अभी हम देख लेते हैं, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग से आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक देख सकते हैं आप, भोपाल दिनांक 2/5/2023, कल ही के दिन निकला है, 2 मई 2023 को, प्रति कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश। पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि एक एक स्टेप जरूरी है इसमें, किस तरह से सारी आपत्तियाँ दर्ज होंगी। विषय है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 अंतर्गत आपत्तियों की प्राप्ति एवं निराकरण के संबंध में। संदर्भ दिए हुए हैं पत्र क्रमांक 1/3/2023 का, 1/3/2023 का, फिर 1/5/2023 का, ठीक है। तो मध्य प्रदेश शासन के 2 पत्र क्रमांक है, महिला एवं बाल विकास विभाग के, और संचालनालय का भी है, महिला बाल विकास विभाग का, है ना। तो प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य शासन द्वारा प्रारंभ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 अंतर्गत आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 1,25,33,145 आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि की गई है। उक्त ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के आधार पर संभावित पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जा चुका है, जिस पर विभिन्न स्तरों से आपत्तियां प्राप्त होंगी। इन आपत्तियों का निम्नानुसार योजना के पोर्टल ऐप में ऑनलाइन दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। किस तरह से होगी प्राप्त, किस तरह से होगी, फिर दर्ज किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। तो क्रमांक लिखा रहेगा इधर, आपत्तियों का प्रकार, संदर्भ और कार्यालय स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई। आपत्तिकर्ता द्वारा पोर्टल या ऐप पर ऑनलाइन दर्ज आपत्तियां जो सीधे यहां से दर्ज कर देंगे आपत्ति दर्ज करने से, तो इसका क्या होगा, संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के कंडे क्रमांक 7.2 आपत्तियों को प्राप्त किया जाना अनुसार आपत्तियां निर्देशों के अनुरूप ही ऑनलाइन दर्ज हुई, अतः कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। मतलब सीधे कार्रवाई, चूंकि बिल्कुल वैध तरह से मैंने आपको बताया ऑनलाइन ही दर्ज होना है, तो आपत्ति यदि ऑनलाइन दर्ज कर दी गई है किसी भी आपत्तिकर्ता द्वारा, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, वो सीधे ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी। अभी यदि आपत्तिकर्ता से कार्यालय में लिखित प्राप्त आपत्तियाँ हुई, यदि आपत्तिकर्ता ने लिखित में कार्यालय में दी है, मतलब ग्राम पंचायत कार्यालय में दी है या वार्ड कार्यालय में, तो संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के अन्य क्रमांक 7.2 आपत्तियों को प्राप्त किया जाना अनुसार। अब इसमें क्या करना पड़ेगा ये ध्यान से देखना है, आपत्तिकर्ता से आपत्ति ऑनलाइन करने हेतु मार्गदर्शन देकर उनके माध्यम से ही ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराएं, अथवा कार्यालय में ही 15 मई 2023 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराएं। तो या तो सबसे अच्छा यही रहा है कि आपत्तिकर्ता को बता दें पूरा कि ऑनलाइन किस तरह से दर्ज करना है, और पूरे आगे रह के उनसे ऑनलाइन दर्ज करवा दें, नहीं तो 15 मई 2023 तक ऑनलाइन आपत्ति कार्यालय में ही दर्ज करवाना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपत्ति पोस्ट से अथवा आपत्तिकर्ता की अनुपस्थिति में प्राप्त होती है, तो आपत्ति को एक पंजी में संधारित करें
एवं इसे कार्यालय द्वारा 15 मई 2023 तक ऑनलाइन प्रविष्ट की जाए। यदि कोई व्यक्ति पोस्ट से भेज रहा है ना, या फिर वो उपस्थित नहीं हो रहा है, किसी भी अन्य माध्यम से भेज रहे हैं, तो उनको उनका एक रजिस्टर संधारित करना, एक पंजी संधारित करना है और उसमें सभी जो है फाइल बनाकर रखना है और 15 मई 2023 तक ऑनलाइन प्रविष्ट करना है उन आपत्तियों को। अब दिनांक 1 से 15 मई के मध्य सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त आपत्तियां, जैसा कि इसमें यह भी है कि आप 181 सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, संचालन महिला बाल विकास का पत्र क्रमांक 93 भोपाल दिनांक 1/5/2023 और संदर्भ पत्र क्रमांक 02 कंडे क्रमांक 7/2 आपत्तियों प्राप्त किया जाने अनुसार, तो इसमें यह करना होगा सीएम हेल्पलाइन द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की सलाह दी जाएगी जो पोर्टल है उसके द्वारा। यदि आपत्ति इस अवधि में AL1 पर प्राप्त होती है तो उसे पंजी में संधारित कर कार्यालय द्वारा 15 मई 2023 तक ऑनलाइन प्रविष्ट की जाए। मतलब सीएम हेल्पलाइन पर भी यदि आपत्ति दी जा रही है तो वो एक शिकायत के रूप में होगी, तो उसको भी 15 मई 2023 तक हमें ऑनलाइन प्रविष्ट करना है, ठीक है। ऑफलाइन प्राप्त आपत्ति या सीएम हेल्पलाइन से L1 पर प्राप्त शिकायत, चूंकि सबसे पहले शिकायत जो होती है वो L1 पर होती है, L1 पर है ना, पर प्राप्त शिकायत जिसमें आपत्तिकर्ता उपस्थित नहीं है, ऐसे प्रकरणों में संबंधित निकाय कार्यालय में ऑपरेटर द्वारा आपत्ति वही cmlarlibehna.mp.gov.in पर पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। आपत्तिकर्ता के नाम के स्थान पर कार्यालय का नाम और नंबर की जगह स्वयं ऑपरेटर का नंबर दर्ज कर OTP प्राप्त कर आपत्ति दर्ज की जाएगी। मतलब आपत्तिकर्ता भी उपस्थित नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो क्या करना पड़ेगा, आपत्तिकर्ता के नाम के स्थान पर क्या होगा, कार्यालय का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे ग्राम पंचायत कार्यालय। तो जो भी ऑफलाइन या सीएम हेल्पलाइन से जो L1 पर शिकायत प्राप्त होगी तो उसमें क्या रहेगा, कार्यालय में ऑपरेटर द्वारा आपत्ति दर्ज की जाएगी पोर्टल पर आपत्तिकर्ता के नाम के स्थान पर। अब जैसे यहाँ आपत्तिकर्ता के नाम लिखाना है, वो मोबाइल नंबर लिखाना है, तो इसमें क्या होगा कि यदि आपत्तिकर्ता, क्योंकि ऑफलाइन प्राप्त हुई है और सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त हुई है, ठीक है, आपत्तिकर्ता उपस्थित नहीं है, तो उसमें क्या होगा, कार्यालय का नाम लिखना आपत्तिकर्ता के नाम के स्थान पर यहाँ पर, और नंबर की जगह स्वयं ऑपरेटर का नंबर दर्ज कर OTP प्राप्त कर आपत्ति दर्ज की जाएगी। स्वयं ऑपरेटर का नंबर है ना यहाँ पर दर्ज करना है आप, और उसके बाद आप OTP प्राप्त करना है, OTP प्राप्त कर आपत्ति दर्ज की जाना है, ठीक है। आगे विवरण के स्थान पर लिखा जाएगा, आगे विवरण जब आएगा तो उसमें स्थान पर क्या लिखना है, हमें कार्यालय में ऑफलाइन प्राप्त आपत्ति दर्ज की गई, ये साफ साफ लिख देना, कार्यालय में ऑफलाइन प्राप्त आपत्ति दर्ज की गई या सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त आपत्ति दर्ज की गई, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट रहेगा कि यह ऑफलाइन आपत्ति आई है या सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आपत्ति आई है। तो क्या लिखना है, आगे विवरण में कार्यालय में ऑफलाइन आपत्ति प्राप्त आपत्ति दर्ज की गई या सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त आपत्ति दर्ज की गई, आपत्ति की हार्ड कॉपी एवं उसके साथ प्रस्तुत सपोर्टिंग दस्तावेज निर्धारित स्थान पर अपलोड भी किए जाना है, ठीक है, अपलोड भी किए जाएंगे। इसके बाद जैसे यदि शिकायत है तो जो ऑनलाइन दिख रही शिकायत उसी की हार्ड कॉपी बना लें, उसी को PDF बना लें और अपलोड कर दें। यदि जो है ऑफलाइन आई है आपके कार्यालय में तो ऑफलाइन उसकी PDF बनाकर अपलोड कर दें, ठीक है। इन समस्त ऑनलाइन आपत्तियों का निर्धारण समय सीमा में संदर्भ पत्र क्रमांक 02 के कंडिया क्रमांक 7/3 आपत्ति निराकरण समिति अनुसार निराकरण कर दिनांक 31 मई 2023 को योजना अंतर्गत अंतिम रूप से पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची जारी की जानी है। इस हेतु जिले के विभिन्न आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा प्राप्त आपत्तियों के परीक्षण हेतु स्थानीय स्तर पर जो जांच दल बनाए जा रहे हैं उनमें ग्राम पंचायत नगरीय निकाय के वार्ड स्तर के अधिकारी कर्मचारियों के सांसद उनके वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों को भी जांच दल में रखा जाना भी उचित होगा ताकि प्राप्त आपत्तियों की समुचित जांच भी सुनिश्चित की जा सके। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें संलग्न उपरोक्त अनुसार। तो आयुक्त महोदय महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है दोस्तों और प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें दर्ज करना है, ऑफलाइन आपत्तियों को भी किस तरह से दर्ज करना है, और ऑनलाइन आपत्ति तो सीधे जो है आपत्तिकर्ता खुद ही दर्ज कर सकते हैं, यदि उन्हें नहीं आ रहा कोई दिक्कत आ रही तो हम आगे रहकर उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो देखकर भी जो है आसानी से कार्य कर सकते हैं, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा पूरा कैसे आपत्ति दर्ज करना है पूरी शुरू से आखिरी तक, तो आप आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो यह पूरी प्रोसेस आप मोबाइल से भी आपत्ति मोबाइल ऐप जो है सीएम लाडली बहना की उससे भी दर्ज कर सकते हैं और पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। तो ये पूरा दोस्तों नियम आज हमने देखे और ये जरूरी है, बिल्कुल इसी अनुसार हमें पूरा कार्य करना है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। तो दोस्तों इसी तरह और भी जैसे जैसे अपडेट्स आते हैं मैं आपको अवगत कराते रहूँगा, इसके लिए आप मेरे साथ बने जरूरी, आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों यदि आप शिक्षा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं चैनल को तो ज्वाइन के जरिए या सुपर थैंक्स के जरिए कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ किस तरह से आपत्ति दर्ज होगी, उसका थोड़ा सा यूज़र मैनुअल बता देता हूँ। आपत्ति दर्ज करने पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, आपत्तिकर्ता का पंजीयन जहाँ होना है, आपत्तिकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर भरना है, कैप्चा कोड ये यहाँ पर लिखना है। इसके बाद स्व घोषणा पर क्लिक करना, OTP प्राप्त करें। OTP जैसे ही प्राप्त होगा तो यहाँ OTP दर्ज करना है और फिर OTP को सत्यापित करना है। जैसे ही सत्यापित करेंगे तो आपके समक्ष कुछ इस तरह से मैसेज आ जाएगा, आपके द्वारा दर्ज मोबाइल के सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। तो ओके पर क्लिक कर देंगे हम। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो वो वेरिफिकेशन हो जाएगा मोबाइल नंबर का। इसके बाद हम आपत्ति करें, जो ये ऑप्शन आ रहा है नीचे, इसमें आपत्ति करें वाला ये खुल जाएगा और इस पर हमें क्लिक करना है। अब इसके लिए दोस्तों आपको जो पहले सूची देखना पड़ेगा, आपको किन के ऊपर आपत्ति लेना, तो आप अनंतिम सूची पर क्लिक कर देंगे। सूची देखने का मैंने आपको तरीका बताया है, मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, OTP प्राप्त कर फिर सूची देख सकते हैं। सूची इस तरह से दिख जाती है आपको, या तो आवेदिका के समग्र ID, आवेदन क्रमांक डालकर, या पूरी डिटेल डालकर, जिला, जनपद, निकाय, है ना, सभी ग्राम पंचायत और ग्राम वाइज दिख जाएगी, तो उसमें इस तरह से दिखेगी। इस तरह से पूरे आवेदन पत्रों की सूची दी जाएगी। जब जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, ग्राम वार्ड लिखेंगे या सर्च करें पर, तो आपको विवरण देखे पर क्लिक करना है, ठीक है। विवरण देखे पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जिसकी आपत्ति आप दर्ज करना चाहते हैं उनका देखते जाएं सूची में नाम, और जहाँ है तो उस पर ये आँख जो बनी है, जो सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपत्ति विवरण, यहाँ आवेदक का नाम, लाडली बहना, आवेदन क्रमांक, आवेदक की आयु, वैवाहिक स्थिति, पता, सब चीज़ आ जाएगी। उसके बाद हमें नीचे चलना है तो ये देखिए यहाँ लिखा रहेगा, नोट, आपत्ति दर्ज करने के लिए निम्नानुसार दिए गए बिंदुओं में से न्यूनतम एक बिंदु का चयन करना अनिवार्य है। तो इसे आप देख लें क्या क्या चीज़ें हैं। आवेदिका की स्वघोषणा पर मेरी आपत्ति यह है कि यदि मान लीजिए इनकी स्वयं या परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो यहाँ चेक कर दें, ठीक है। अब सम्मिलित आय मतलब पति पत्नी और उन पर आश्रित जो बच्चे हैं उनकी हमें सम्मिलित आय देखना है स्वघोषित, ठीक है। 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो यहाँ चेक करना है हमें ऑनलाइन ही। इसी प्रकार ये स्वयं या परिवार के सदस्य आयकर दाता है तो यहाँ चेक टिक कर देना, जो सही रहे वो उस पर आपको टिक करना है, लेकिन कम से कम आपत्ति दर्ज करने के लिए एक ऑप्शन टिक करना बहुत जरूरी है। ये स्वयं परिवार का सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित है अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ टिक। इनके द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना में प्रतिमाह 1,000 रुपये या उससे अधिक राशि प्राप्त की जा रही है, तो यहाँ टिक। ये स्वयं परिवार का सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक है, तो यहाँ पर टिक। ये स्वयं परिवार का सदस्य भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्य है, यहाँ टिक। ये स्वयं परिवार का सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर, यदि सरपंच भी है तो यहाँ टिक हो सकता है। इनके स्वयं परिवार के सदस्य के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर सहित, ये ट्रैक्टर है या 4 पहिया वाहन है, तो यहाँ टिक। इनके स्वयं परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, तो यहाँ टिक। तो जिस पर भी आपको लग रहा है उस पर टिक कर दें। इसके बाद दोस्तों एक और आवेदिका की पात्रता संबंधी मेरी आपत्ति यह है कि इसमें भी 4 है, महिला, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता नहीं है, तो यहाँ टिक, ठीक है। मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी नहीं है, तो यहाँ टिक। महिला की आयु 23 से 60 के मध्य नहीं है, तो यहाँ टिक। महिला उस समग्र परिवार की सदस्य नहीं है, तो यहाँ टिक, ठीक है। इसमें जो है कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऊपर जो यहाँ पर है कंपलसरी है, एक कम से कम टिक करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आप जो भी लिख रहे हैं तो आपत्ति संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। यहाँ आपके पास जो दस्तावेज है उनको अपलोड करना है, वो कैसे करना है, चयन किए गए बिंदुओं के आधार पर आपत्ति संबंधित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। यदि किसी आपत्ति संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो आपत्ति की से संबंधित तथ्यात्मक विवरण का स्वलिखित पत्र अपलोड करें। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास यदि दस्तावेज उपलब्ध है पर्टिकुलर, जैसे खेती किसानी संबंधित खसरा नक्शा आप ले सकते हैं, उक्त हितग्राही का, है ना, आवेदिका का वो, या फिर गाड़ी संबंधी कुछ, कोई सा भी यदि दस्तावेज है तो उनको यहाँ पर अपलोड करना नहीं है, तो आप एक स्वलिखित पूरी आप खुद लिखकर एक पन्ने पर, कोरे पन्ने पर लिखकर दे सकते हैं कि इनके पास 4 पहिया वाहन है या ट्रैक्टर ट्राली है या 5 एकड़ ज़्यादा जमीन, जो भी है आयकर दाता है जो भी, तो वो लिखकर भी आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किस तरह से करना है, दस्तावेज का अधिकतम साइज 5 MB से तक होना चाहिए, 5 MB से कमी होना चाहिए, दस्तावेज का प्रकार जो है ना PDF में यहाँ पर अपलोड करना है ब्राउज कर, ठीक है। तो ये अपलोड करना है, फिर उसके बाद दोस्तों इसे अपलोड कर देंगे आप, तो यहाँ जाएगा आपत्ति का संक्षिप्त विवरण भरें, तो आपत्ति का संक्षिप्त विवरण ही भर दें। यदि लिख दें कि इनके पास 4 पहिया वाहन है या इनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन या ये सदस्य आयकर दाता हैं, सब ये लिख दें। इसका सुरक्षित करें पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो लिखा जाएगा, ICDS से मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, मुख्यमंत्री लाडली बहना पोर्टल अंतर्गत आपकी आपत्ति सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई, जिसका आपत्ति क्रमांक जो रहेगा वो आ जाएगा। आपत्ति की अद्यतन स्थिति, अपडेटेड स्थिति देखने के लिए CM लाडली बहना .MP.GOV.IN पर संपर्क करें।
इसका दोस्तों आपत्ति की पावती जाएगी, आपकी आपत्ति पोर्टल सपोर्ट दर्ज कर ली गई, जिसका आपत्ति क्रमांक जो भी है वो जाएगा, आपत्तिकर्ता का विवरण पूरा जाएगा और आपत्ति की दिनांक और इधर पूरी जो डिटेल है आवेदिका की वो आ जाएगी। इसके बाद आपत्ति का विवरण आ जाएगा, क्रमांक एक दो ऐसे जो मान लीजिए दो पे टिक है आपने, स्वयं परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, महिला विवाहित विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता नहीं है, यह आ जाएगा तो ये कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आप लिखेंगे दोस्तों जो भी आपत्ति तो यहाँ आ जाएगा व्यू है ना, आपत्ति का संक्षिप्त विवरण भी आ जाएगा या नोट भी लिखा रहेगा, आपके द्वारा दर्ज की गई आपत्ति का निराकरण आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा, निराकरण की स्थिति अंतिम सूची जारी होने की दिनांक से पोर्टल पर देखी जा सकेगी, मतलब जो अंतिम सूची अब जनरेट होगी जैसे 31 मई को उस दिन से देखी जाएगी, प्रिंट करें पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रिंट करें पर क्लिक करेंगे तो आप PDF रूप में पूरी सेव भी कर सकते हैं आपत्ति की पावती, या फिर प्रिंट भी लेकर अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, आपत्ति का पूरी उसमें वो जानकारी आ जाएगी जो आपने फिलअप करी है, तो दोस्तों इस तरह से पूरा प्रिंट भी हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है दोस्तों आपत्ति दर्ज करने की भी, और किस तरह से हम पूरी जो है आगे प्रोसेस कर सकें, एक एक प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, तो आप आसानी से यह कार्य कर सकते हैं और इसकी कंडीशंस भी सब बता दी किस तरह से सारे कार्य होंगे। तो इसी तरह दोस्तों हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है, आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों यदि आप स्वेच्छा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स या ज्वाइन के जरिए कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।